आखिर कैसे सरदार पटेल को दरकिनार कर महात्मा गांधी ने चुना नेहरू का नाम? किस वजह के चलते नेहरू बना दिए गए देश के प्रथम प्रधानमंत्री? कुछ कांग्रेसियों के चाहने के बावजूद भी सरदार पटेल ने क्यों नहीं किया महात्मा गांधी के फैसले का विरोध? सरदार वल्लभ भाई पटेल इनाम किसी पहचान का मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। कहा जाता है कि उनके अंदर इतनी बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी थी कि कई कांग्रेसी नेता भी चाहते थे कि वल्लभ भाई पटेल ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्हें और किसी के भीतर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने की हिम्मत नहीं दिखती थी। सरदार पटेल का पीएम बनना तय माना जा रहा था, लेकिन इस स्टोरी में महात्मा गांधी की एंट्री हुई और उसके बाद पूरा पासा ही पलटता चला गया। जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया था। हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक कामयाब प्रशासक होने के बावजूद आखिर महात्मा गांधी ने उन्हें पीएम के पद के लिए क्यों नहीं चुना, किस वजह के चलते उन्हें इग्नोर कर दिया गया। इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि भारत के लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार पटेल देश के लिए समर्पित राजनेता थे, जिसके कारण कांग्रेस का हर एक सदस्य उन्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। लेकिन इतनी खूबियों और काबिलियत होने के बावजूद उन्हें देश का पीएम नहीं चुना गया। इसके पीछे की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। साल था 1946। जैसे जैसे भारत को आजादी मिलने की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे कांग्रेस के द्वारा सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चली थी। सभी की निगाहें कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर टिकी थी, क्योंकि यह लगभग तय हो चला था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वही भारत का प्रथम पीएम भी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बनने के चलते कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे। 6 साल से अध्यक्ष पद का चुनाव ना हो पाने के कारण मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभाली हुई थी। 1946 में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे। मौलाना आजाद भी इस चुनाव में भाग लेना चाहते थे, साथ ही प्रधानमंत्री बनने के भी उनके मंसूबे थे, लेकिन महात्मा गांधी के साफ मना कर देने के बाद उनको ये विचार छोड़ना पड़ गया। मौलाना आजाद को मना करने के साथ गांधी ने जाहिर कर दिया था कि उनका समर्थन जवाहरलाल नेहरू के साथ है। तारीख थी 29 अप्रैल और साल था 1946। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी। इस नामांकन में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि नेहरू को गांधी के समर्थन के बाद भी राज्य के कांग्रेस समिति द्वारा समर्थन नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, 15 राज्यों में से तकरीबन 12 राज्यों ने सरदार पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया और बाकी 3 राज्यों ने किसी का भी समर्थन नहीं किया। 12 राज्यों द्वारा मिला समर्थन सरदार पटेल को अध्यक्ष बनाने के लिए काफी था। महात्मा गांधी चाहते थे कि नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभालें, इसलिए उन्होंने जेबी करपलानी पर दबाव डाला कि वो कांग्रेस कार्य समिति के कुछ सदस्यों को नेहरू को समर्थन देने के लिए राजी करें। गांधी के दबाव में आकर करपलानी जी ने कुछ सदस्यों को इस बात के लिए मना भी लिया। नेहरू को समर्थन दिलवाने के लिए जो भी महात्मा गांधी कर रहे थे वो कांग्रेस के संविधान के खिलाफ था। सिर्फ इतने से ही गांधी नहीं माने, उन्होंने सरदार पटेल से मुलाकात कर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार की दौड़ से हट जाने का निवेदन किया। सरदार पटेल सारी कूटनीति को समझते थे, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस की एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गांधी का ये निवेदन स्वीकार कर लिया, जिसके चलते नेहरू पीएम के पद के उम्मीदवार बन गए। नेहरू प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन इससे एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। असल में इसकी कोई ठोस वजह तो नहीं निकल कर सामने आई, लेकिन नेहरू और पटेल के प्रति गांधी के रूप पर हुए अध्ययन के अनुसार गांधी को मॉडर्न विचार पसंद थे, जिनकी झलक उन्हें विदेश में पढ़े नेहरू में साफ दिखाई देती थी। उन्हें लगता था कि नेहरू की नरम नीति देश के लिए अच्छी साबित होगी। दूसरी वजह यह भी बताई जाती है कि नेहरू ने गांधी जी के सामने साफ जाहिर कर दिया था कि वो किसी व्यक्ति के अधीन कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। नेहरू से पक्षपाती स्नेह के कारण गांधी नेहरू की हार को अपनी हार के रूप में देखकर चल रहे थे। हालांकि
कहा तो ये भी जाता है कि नेहरू ने गांधी को साफ कर दिया था कि अगर उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों को भारत की आज़ादी टालने का मौका मिल जाता और साथ ही पूरे देश के सामने नेहरू द्वारा लज्जित हो जाते। इसी के चलते गांधी ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल नेहरू के पक्ष में किया। शायद यही वजह है कि गांधी ने यह भी कहा था कि पद और सत्ता की लालसा में नेहरू अंधे हो चले हैं। गांधी ने तब जो किया उस पर हर कोई सवाल उठाता है, उस पर सवाल उठाना लाजमी भी है, पर सवाल ये भी है कि आखिर पटेल जी ने क्यों कद्दावर नेता होने के बावजूद गांधी जी का विरोध नहीं किया। आखिर किस वजह के चलते गांधी जी अपनी मनमर्जी करते गए और सरदार पटेल चुपचाप देखते चले गए। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, किस वजह के चलते गांधी जी के फैसले का विरोध पटेल जी ने नहीं किया था, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर सकते हैं। वीडियो आपने पूरी देखी है, इसके लिए आपका बेहद ज़्यादा शुक्रिया।